1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राजस्थान सीमा में कल महिलाएं रोडवेज बसों में करेगी मुफ्त यात्रा। आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए निशुल्क सेवाएं। राखी के त्यौहार पर हर साल राज्य सरकार देती है ये सेवा। आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक राजस्थान सीमा के अंदर महिलाओं को निशुल्क यात्रा बस कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा हर साल ये सेवा दी जाती है। रोडवेज बस द्वारा भी 35 बसें एक्स्ट्रा लगाई गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न आए। रक्षाबंधन को लेके हमने काफ़ी गाड़ियां 30 या 35 गाड़ियां हम एक्स्ट्रा चलाएंगे और हमने खूब काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं वाहनों को और हम काफ़ी पूरी यात्रियों के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हम पूरी सुविधा देंगे और हमने काफ़ी गाड़ियाँ एक्स्ट्रा। महिला फ्री। आज रात को 12 बजे से लेके और कल रात को 12 बजे फ्री राजस्थान सीमा में। आपका नाम? मेरा नाम अनिल पारिक है, चीफ मैनेजर हूँ अजमेर डिपो। कॉलेज में एबीवीपी ने भरा नामांकन, निर्देश पत्र पर प्रदीप लड़ेंगे चुनाव। समर्थकों ने पैनल का किया स्वागत। डीएवी कॉलेज में आज एबीवीपी ने नामांकन भर दिया है। एबीवीपी से प्रदीप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। वे इनके पैनल में मोहित चौधरी उपाध्यक्ष पद पर, प्रगति मिश्रा महासचिव पद पर, यश पचारिया सह सचिव पद पर चुनाव लड़ेंगे। कॉलेज में वाईफाई और पार्किंग शुल्क माफ करवाने की प्राथमिकता रहेगी। हाँ बताओ भैया, क्या है आज विद्यार्थी परिषद ने डीएवी कॉलेज में हमने नामांकन भरा और बारिश में नामांकन भरा। विद्यार्थी परिषद से टिकट मिला था हमारे को 24 तारीख को शाम को। विद्यार्थी परिषद की उम्मीद पर हम खड़ा उतरे। महाविद्यालय में जो भी बच्चों की समस्या होगी उनका समाधान करेंगे, हर समस्या का प्रयास करेंगे। कौन कौन पैनल में? पैनल का नाम बताओ। अध्यक्ष पर प्रदीप, उपाध्यक्ष पर मोहित चौधरी, महासचिव पर प्रगति मिश्रा, संयुक्त सचिव यश पंचारिया। क्या प्राथमिकता देगी? हमारी प्राथमिकता देगी महाविद्यालय वाईफाई कैंपस हो, जो शारीरिक विभाग है उसका सुचारू रूप से निर्माण हो, पार्किंग शुल्क माफ हो, गरीब विद्यार्थियों की फीस माफ हो। क्या लगता है आपको कि एनएसयूआई की फूट से आपको फायदा मिलेगा? एनएसयूआई की फूट से आपको फायदा मिलेगा? एनएसयूआई से दो लोग बाकी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हमारे को फायदा ही मिलेगा। डीएवी कॉलेज में एनएसयूआई ने भरा नामांकन, अध्यक्ष पद पर श्याम सुंदर बिश्नोई लड़ेंगे चुनाव। समर्थकों ने पैनल का किया स्वागत। डीएवी कॉलेज में एनएसयूआई ने अपना नामांकन भर दिया है। एनएसयूआई से श्याम सुंदर बिश्नोई अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। वे इनके पैनल में सुशील कुमार शर्मा अध्यक्ष पद पर, शीशम चौधरी महासचिव पद पर, महेंद्र गढ़वाल सह सचिव पद पर चुनाव लड़ेंगे। कॉलेज में वाईफाई और पार्किंग शुल्क माफ करवाने की तथा लाइब्रेरी और कैंटीन व्यवस्था को ठीक करवाने की प्राथमिकता रहेगी। किस पद पे लड़ रहे हो चुनाव और कौन पैनल का नाम होगा? मैं एनएसयूआई के पैनल से लड़ रहा हूँ, श्याम सुंदर बिश्नोई, अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ डीएवी कॉलेज अजमेर से। अपने पैनल का नाम बताओ, कौन कौन लड़ रहा है? उपाध्यक्ष पे है सुशील कुमार शर्मा, महासचिव पे है शीशम चौधरी और सचिव पे है महेंद्र गढ़वाल। किन मुद्दों को लेकर जाओगे छात्रों के लिए? मुद्दा एक तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की कमी है और अपने एनसीसी के नेवल वाले में स्विमिंग पूल और पार्किंग की समस्या है, कैंटीन की व्यवस्था है, प्रैक्टिकल लैब्स है उसकी कम है और जो मतलब अधिकतर जो ये गेम्स होते हैं उनमें भी यहाँ के बच्चे खेल नहीं पाते, बीपी के ज्यादा खेल पाते फिजिकल के, उनको मतलब यहाँ जो नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है बीए बीएससी का उनको भी मौका मिलना चाहिए। किस आधार पे दिया आपको टिकट? एनएसयूआई ने अपनी जीत को हासिल करने के लिए। अच्छा, मेहनत जातिवाद का भी आरोप लग रहा है? नहीं सर जी, टिकट फाइनल करी नवीन जी सोनी ने, वो जिला अध्यक्ष है यहाँ के, मेरा और उनका कोई जाति का समर्थन नहीं है। मैं आज 5 तारीख से डीएवी कॉलेज में मेहनत कर रहा हूँ, बाकी के अध्यक्ष भी मेरे से 20-25 दिन बाद आए, इसी को देखकर मेरी मेहनत और मेरी काबिलियत को देखकर मेरे पैनल को देखकर उन्होंने। आज के विधि महाविद्यालय में एबीवीपी के पैनल ने भरा नामांकन, रचित कच्छा व अध्यक्ष पद पर लड़ेंगे चुनाव। पूरे पैनल में दिखी ऊर्जा, ठोका जीत का दावा। आज राजकीय विधि महाविद्यालय में एबीवीपी के पैनल ने नामांकन भर दिया है, जिसमें रचित कचावा अध्यक्ष पद पर और संजय परसोया उपाध्यक्ष पद पर, धर्मेंद्र बाजिया महासचिव पद पर और सह सचिव पद पर मुकेश मेघवाल चुनाव लड़ेंगे। पैनल ने अपनी जीत को लेकर दावा ठोका है।
आज राजकीय विधि महाविद्यालय में अखिल विद्यार्थी परिषद के पैनल ने जीत की आशा और साथियों की अपेक्षाओं के साथ में विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद पर रचित कचावा, उपाध्यक्ष पर संजय परसोया और महासचिव पर धर्मेंद्र बाजिया और संयुक्त सचिव पर मुकेश मेघवाल ने अपना नामांकन भरा है। और पूरे साथियों ने जिस प्रकार से जब नामांकन के समय ऊर्जा दिखाई, उससे हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग विजय सिर प्राप्त करेंगे। चाहे अभी तक की अगर स्थिति देखें तो अभी तक कोई भी टक्कर में नहीं है और पूरे राजकीय विधि महाविद्यालय का एक एक स्टूडेंट ये चाहता है कि ये विद्यार्थी परिषद का पैनल पूर्णतः जीते, पूरे का पूरा चारों पैनल हम जीतने के पूरे जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। कोई हमारे अभी वर्तमान में टक्कर में नहीं है। क्या प्रमुखता रहेंगे? प्रमुखता राजकीय विधि महाविद्यालय की विद्यार्थी परिषद ने सारी समस्याओं को पहले भी उठाया, चाहे वो चार दीवारी हो चाहे कोई भी हो छात्र हितों की समस्या हो, उन छात्र हितों के आधार पर ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और छात्र हितों की आवाज़ को ही हम चुनाव जीतने के बाद भी उठाते रहेंगे। निर्दलीय पैनल केवल एकमात्र औपचारिकता है, उसका कोई अगर हम देखें तो कोई धरातल पर कोई कार्य नहीं, क्योंकि जो निर्दलीय पैनल में जो प्रत्याशी है उनको पूरे साल भर उससे पहले वो चुनाव के नामांकन से पहले कभी कॉलेज नहीं आया, केवल आकर के उन्होंने नामांकन भरा है। ऐसी स्थिति में राजकीय विधि महाविद्यालय का जो विद्यार्थी है वो पूर्णतः शिक्षित विद्यार्थी है और वो उसके कार्यों को देख करके मत देगा और वो विद्यार्थी परिषद के कार्यों के आधार पर विद्यार्थी परिषद को विजय सिद्ध दिलाएगा। जीसी से एनयूसीआई के अध्यक्ष पद पर राजपाल झाकड़ को मिला फाइनल टिकट, उपाध्यक्ष पद पर पायल जैन को मिला फाइनल टिकट। एनयूसीआई से दावेदारी ठोकरे, विद्यार्थियों को टिकट नहीं मिलने पर निराशा। अभी कुछ देर पहले राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में एनएसआई के प्रत्याशियों की धांधली छाई हुई थी। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वे अपने आप को एनएसआई के दावेदार बता रहे हैं। यहाँ अध्यक्ष पद पर राजपाल झाकड़ का नाम आ रहा है, वहीं लोकेश कुमार खुद को दावेदार बता रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पर जहाँ पायल जैन का नाम आ रहा था वहाँ मनसी जैन अपने आप को दावेदार बता रही है। खैर अब एनएसआई के पैनल में जो नाम है वो है अध्यक्ष पद पर राजपाल झाकड़, उपाध्यक्ष पद पर पायल जैन, महासचिव पर नवरतन सिंह और सह सचिव पर संदीप मीना को टिकट मिल चुका है। खर्चा भरा उनको बैठाने की मनाने की प्रयास किया जाएगा। परिवार है, एक परिवार के लोगों में होता ही है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनएसआई के समर्थन में चुनाव में बैठे और एनएसआई यहाँ से भारी। आपके जिला अध्यक्ष पर आरोप है कि 3 लाख में जो अध्यक्ष पद का वो बेचा है। सर देखिए, ये बात हमने भी सुनी है और इसकी एक कमेटी, जाँच कमेटी बनाई है। तो जाँच कमेटी में अगर जिला अध्यक्ष के खिलाफ अगर सही पाया गया कि उसने अगर 3 लाख रुपये लेकर के टिकट दिया है, कोई भी प्रूफ मिलता है तो उसके खिलाफ निलंबित किया जाएगा और वो कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि छात्रों को चुनाव में, छात्रों को चुनाव में कभी पैसा नहीं चलना चाहिए, ये गलत है और ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ करेंगे। पिछले साल भी आरोप लगा था 1,80,000 का। सर बिल्कुल उस चीज़ के लिए कोई तथ्य भी नहीं मिला, कोई प्रूफ भी नहीं मिला, इसलिए उसे बिल्कुल साफ प्रकार दिया जाएगा। अगर कोई प्रूफ देता है, कोई अगर कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर देखिए, उसको बैठ करके अभी आज नामांकन का लास्ट दिन टाइम 3 बजे का था, उसके बाद में बैठ करके हम सभी परिवार के लोग बैठ करके आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी होगा एनएसआई के इतना होगा वो हम अच्छा से अच्छा करेंगे। वो भी बोल दी एनएसआई से हम वही बैठ करके बात करेंगे ना सर, कि वो जो भी चीज़ होगी उसको बैठ करके बात करके जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। उसको दूसरे प्रभारी ने दिया। 832 सरस्वती नगर में नई पाइपलाइन का हुआ शिलान्यास, मंत्री बघेल ने किया शिलान्यास, 3 गलियों में डलेगी नई पाइपलाइन। आज वार्ड 32 सरस्वती नगर में नई पाइपलाइन का शिलान्यास महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल द्वारा किया गया, जिसके तहत सरस्वती नगर की 3 गलियों में नई स्टील की पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि यहां के लोगों को पानी के प्रेशर की समस्या से निजात मिले। वार्ड नंबर 32 के सरस्वती नगर में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में यहाँ जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझे बुलाया था और बुलाने के बाद सभी के बीच में यहाँ इसी चौराहे पर बात हुई थी और आपने आग्रह किया था कि हमारी 3 गलियों में अभी भी प्लास्टिक की लाइन डली हुई है। यदि ये प्लास्टिक की लाइन की जगह स्टील की पाइपलाइन डल जाती है तो निश्चित रूप से प्रेशर भी बढ़ेगा और एक बार पाइपलाइन डलने के बाद में कुछ गलियाँ नीचे हैं वो नीचे वाली गलियाँ भी ठीक प्रकार से बनेंगी, वो भी ऊँची बन जाएंगी। और उसी के तहत दीपावली पर जब आपने आग्रह किया उसके बाद हमने JN को भेज करके यहाँ से एस्टीमेट बनवाया और एस्टीमेट बनवाने के बाद में उस लाइन को स्वीकृत किया। आज वो लाइन डलने का कार्यक्रम है और 300 मीटर लाइन 4 इंच की यहाँ 3 गलियों में डलने वाली है। ये लाइन डलने के बाद में ये पानी के प्रेशर भी थोड़ा ठीक होगा, बार बार लाइन टूटने की जो समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। और चूँकि इस पूरे क्षेत्र में यहाँ HB फर्नीचर से लेकर के और रामदेव मंदिर तक, ढोलाबट्टा चौराहे तक 1 करोड़ रुपए की लागत से अभी सड़क बनी है और अभी इसका काम होना थोड़ा शेष बाकी है, वो आने वाले दिनों में पूर्ण होगा। और इसी प्रकार से प्रोफेसर कॉलोनी से लेकर के पानी की टंकी अपने हरलाल की चक्की तक 1 करोड़ रुपए की लागत से वो नई रोड बनी है
और साथ ही साथ में जो हमारा मुख्य मार्ग है धोलाबाटा वाला रोड, उस धोलाबाटा वाली रोड की समस्त बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड हुई हैं लगभग। MGS यूनिवर्सिटी में ABEP ने भरा नामांकन, अध्यक्ष पद पर लोकेश गोदारा लड़ेंगे चुनाव, समर्थकों ने पैनल का किया स्वागत। MGS यूनिवर्सिटी में ABEP ने नामांकन भर दिया है, ABEP से लोकेश गोदारा अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे। इवेंट के पैनल में शिवनेश सिंह जादौन उपाध्यक्ष पद पर, राहुल राजपुरोहित महासचिव पद पर, निहारिका उपाध्याय सह सचिव पद पर चुनाव लड़ेंगे। छात्रों की समस्या रहेगी पहली प्राथमिकता। मुझे विद्यार्थी परिषद ने टिकट दिया है और हम वापस 5 साल के बाद यहाँ झंडा वापस विद्यार्थी परिषद का झंडा ले रहेंगे और हम कम से कम 300 वोटों से विजयी होंगे। और पैनल के अंदर शिवनेश सिंह जादौन वाइस प्रेसिडेंट पे और महासचिव राहुल राजपुरोहित और संयुक्त सचिव पे निहारिका उपाध्याय। छात्रों की समस्याओं के लिए हम संघर्ष कर। आपका नाम? लोकेश गोदारा, अध्यक्ष पद दे दो। जिस उत्साह से ABEP के कार्यकर्ता यहाँ फार्म भरने आए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्ष 2018 में ABEP का पूरा पैनल जीतेगा। मैं वर्ष 2011 में यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष था, मेरे बाद मोहित जी जैन यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष थे और पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार से ये दूसरे कैंडिडेट जीते हैं तो इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल उन्होंने बैक पे कर दिया है और इस बार 100% हमारा पूरा पैनल आएगा और चुनावी वर्ष में हम पूरी सौगात हमारे स्टूडेंट को देंगे। जिस प्रकार से हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने युवाओं का हर समय भला किया है तो उनसे पूरे युवा जोश में है और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हमारा पूरा पैनल ABEP का जीतेगा, ना केवल अजमेर विश्वविद्यालय बल्कि पूरे एफिलेटेड कॉलेज हमारे जीतेंगे, यह हमारे को पूरा विश्वास है। पैनल में लोकेश गोदारा है, शिवनेश सिंह है, निहारिका है और राहुल, चारों ही मजबूत है। पिछले काफ़ी समय से ये छात्रों की समस्याओं को लेकर यहाँ हमेशा खड़े रहते हैं तो उनसे ये लग रहा है जितने स्टूडेंट यहाँ हैं उनसे जाहिर हो रहा है कि हमारा एक तरफा ये पैनल आएगा। जी विकास चौधरी, पूर्व। MGS यूनिवर्सिटी में NSUI ने भरा नामांकन, अध्यक्ष पद पर हेमंत तनवानी लड़ेंगे चुनाव, समर्थकों ने पैनल का किया स्वागत। MGS यूनिवर्सिटी में NSUI ने नामांकन भर दिया है, NSUI से हेमंत तनवानी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे, पूरे पैनल का समर्थकों ने स्वागत किया। हेमंत ने कहा कि जीत के लिए पूरा जोर लगा देंगे और उम्मीद है इस साल भी हम जीत का परचम फहराएंगे। नमस्कार, आज 25 तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में मैंने हेमंत तनवानी ने NSUI से टिकट लिया और मैं इस साल NSUI के पैनल में इलेक्शन फाइट करूँगा और मेरे को पूरा अध्यक्ष पद पे मैं इलेक्शन फाइट करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 5 साल से NSUI यहाँ आ रही है इस साल भी हम विजयी होंगे और धन्यवाद। मेरे पैनल में मैं हूँ अध्यक्ष पे और आस्था जैन है महासचिव। हम सर पूर्ण तरीके से अपनी मेहनत करेंगे और चाहेंगे कि हम बहुत अच्छी संगठन को जिताएं अपने और बहुत अच्छी जीत दर्ज कराएं। हेमंत तनवानी। GCM NSUI से दावेदारी ठोकरे पीयूष को ABEP ने दिया टिकट, गाथन बल के कारण काटा टिकट, ABEP से भरा नामांकन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में NSUI से दावेदारी ठोकरे पीयूष सेवासिया का टिकट काट दिया गया है और ABEP ने उन्हें टिकट दे दिया। पीयूष का कहना है कि 5 साल से वह NSUI के कार्यकर्ता हैं लेकिन धन बल के कारण उनका टिकट काट दिया गया, इसलिए अब वह ABEP से चुनाव लड़ेंगे। इनके पैनल में पीयूष सेवासिया अध्यक्ष पद पर, कोमल साहू उपाध्यक्ष पद पर, राजू गुर्जर महासचिव पद पर और दीपिका गुर्जर सह सचिव पद पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम पीयूष वासिया है, मैं अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ, दावेदार हूँ। उपाध्यक्ष पे कोमल साहू है, महासचिव राजू गुर्जर जी हैं और संयुक्त सचिव है दीपिका चौधरी। ये ABEP का पैनल है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय जी से। अच्छा, NSUI के आप कार्यकर्ता रहे हैं जी, अचानक ABEP में जाकर टिकट लेना, क्या कहेंगे? सर, मैं NSUI से 5 साल से कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, पर जब मेरा नंबर आया इलेक्शन लड़ने का और मेरी तैयारी भी अच्छी थी मगर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और रातों रात टिकट किसी और के फेवर में चला गया। सुना है मेरे यह धन बल के कारण ही टिकट मेरा काटा गया है मगर ABEP ने मेरा सम्मान किया, मेरा मेहनत को देखा, मुझे बुलाया और मेरे को टिकट फाइनल करा। उन्होंने मेरे पर विश्वास जिताया और मैं इस विश्वास को कायम रखूंगा और पूरे पैनल को जिता के निकाल के लाऊंगा। ऐसा कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप जो है छात्रों के बीच में? सर, कॉलेज कैंपस में मुद्दे तो बहुत है मगर जो खासकर मुद्दे मेरे दिमाग में यही है कि स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे टॉयलेट्स नहीं होना, कॉमन रूम के अंदर प्रॉब्लम्स होना, प्लस कैंटीन है, कैंटीन का तो मतलब हर साल कोई ना कोई आता है मगर कुछ कार्य नहीं हो पाता, प्रशासन इस पर ध्यान भी नहीं देती है, टेंडर छूटते हैं, मतलब नहीं है,
हालत बेकार पे दिन पे दिन बेकार होती जा रही है। मेरा मोटो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें तीन चार चीज़ें जो स्पेशली चाहिए कॉलेज प्रशासन को भी, उसका भी फायदा है और प्लस बच्चों का भी, छात्रों का भी। कौन नाम? पीयूष वासिया, अध्यक्ष पद हेतु दावेदार ABP। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।